हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको बताएंगे कि हम डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 कैसे चेक करते हैं, 8, 9 एंड 10। कल हमने आप सबको 2, 3, 4 एंड 5 की डिविजिबिलिटी बताई थी। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें उसकी वंस प्लेस को चेक करना होता है कि वंस प्लेस पे इवन नंबर है कि नहीं। अगर उसकी वंस प्लेस पे इवन नंबर होता है, यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड 0 ऑल्सो, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। इसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम उसका सम करते हैं, यानी कि कोई अगर हमें नंबर दिया हुआ होता है, हम उसके कंप्लीट डिजिट्स का सम करते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। अगर नंबर का सम डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। 4 के लिए हम लेते हैं 10th डिजिट और 1st डिजिट, यानी कि लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर के हम चेक करते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं, तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 5 चेक करने के लिए हमें इसकी वंस प्लेस चेक करनी होती है। वंस प्लेस पर अगर 0 एंड 5 आ रहा है, तो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए कोई न्यू रूल नहीं है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए हमें दो अपने प्रीवियस 2 रूल्स को अप्लाई करना होगा, रूल फॉर 2। अगर 2 का रूल सेटिस्फाई होता है, तब हम रूल फॉर 3 पे जाएंगे, यानी कि उसका रूल चेक करेंगे कि 3 का जो रूल है वो अप्लाई होता है या नहीं। अगर ये भी सेटिस्फाई करता है, तब हम कहेंगे कि गिवन नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है। एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास 2, 6, 4। यहाँ पे हम चेक करते हैं चेक फॉर 2। 2 के लिए हम कहेंगे कि वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे 4 है, दैट इम्प्लाई इट इज़ 4 इज इवन, दैट इम्प्लाइज 264 इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया, 264 डिविजिबल है 2 से। जब ये डिविजिबिलिटी आ गई, अब हम इसको 3 के लिए चेक करेंगे। हम इसका सम करते हैं 264 का, सम आ गया 12। 12 डिविजिबल होता है 3 के। 12 डिविजिबल है 3 के, तो यानी कि 264 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे 2 और 3 के दोनों के ही रूल सेटिस्फाई कर रहा है 264, इसलिए हम ये कहेंगे कि 264 इज डिविजिबल बाय 6। अगर हम यहाँ पे चेक करें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 6 के लिए कौन से रूल को अप्लाई करना है। 6 के फैक्टर करें, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। तो इसमें 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 एंड 3। तो हमें जो चेक करना होता है, वो इन 2 फैक्टर्स के रूल को चेक करना होता है, और हम उस किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 6 से पता लगा सकते हैं कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को चेक करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम 621। 621 हमारे पास एक एग्जांपल है। तो जो इसके वंस प्लेस है, उसका ट्वाइस करते हैं, और रिमेनिंग जो नंबर हमारे पास बच रहा है 62 में से, उसे माइनस कर देते हैं। तो यानी कि ये हो गया 62 माइनस 2, और ये इक्वल आ गया हमारा 60 के। अगर आप यहाँ पे देखें, तो 60 जो होता है वो डिविजिबल नहीं होता है 7 से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर है 621, वो भी डिविजिबल नहीं होगा 7 से। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी हमें 7 के चेक करने के लिए हमें उसकी वंस प्लेस को ट्वाइस करना होता है, और रिमेनिंग नंबर से माइनस करना होता है। जो हमारा आंसर आता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के बारे में हम बात करते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 8 हम कैसे चेक करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं 164।
4। ये हमारे पास एक नंबर है 281164। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। हम इसके लास्ट 3 डिजिट्स लेते हैं। 164 की अगर मैं बात करूँ, हम इसके वंस, टेंस एंड हंड्रेड प्लेस को लेते हैं, उनको चेक करते हैं कि वो डिविजिबल हैं या नहीं है। यहाँ पे 164 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। 164 डिविजिबल नहीं होता है 8 से, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। तो बाय द शॉर्टकट मेथड्स हम डिविजिबिलिटी रूल लगाकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, हम डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करते हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हम कैसे चेक करते हैं, और इस वीडियो में भी मैंने उसे रिवाइज कराया है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करने के लिए हम सम करते हैं, यहाँ पे भी हमें सम ही करना है। तो यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए भी हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स ही करेंगे। हम सम करते हैं उनका और चेक करते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर सम 9 से डिविजिबल हो जाता है तो हम नंबर को कहेंगे कि नंबर डिविजिबल है 9 से। अगर सम डिविजिबल नहीं होता है 9 से तो हम कहेंगे कि नंबर डिविजिबल नहीं है 9 से। यहाँ पे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 16459। इसका सम करके देखते हैं 1 + 6 + 4 + 5 + 9, सम इज़ 25। यहाँ पे सम आ रहा है हमारा 25। 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 25 जो होता है वो डिविजिबल नहीं होता है 9 से। इसका मतलब 16459 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 9 से। तो इसके साथ हम आपको लास्ट रूल बताती हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 बहुत ही आसान है। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के लिए हमें उसका वंस डिजिट देखना होता है, यानी कि उसकी यूनिट प्लेस देखनी होती है। यूनिट प्लेस अगर 0 है तो हम कहेंगे कि नंबर डिविजिबल है 10 से, अगर नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 10 से। एग्जांपल 655, इसकी अगर मैं यूनिट प्लेस देखूँ तो 5 है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है 10 से। और अगर हम बात करें 1650, तो वंस प्लेस इसकी 0 है, यानी कि यूनिट डिजिट इसका 0 है, तो ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा 10 से। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।